तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 जो है मिलिट्री डॉग के बारे में, कि कौन कौन से सबसे ज़्यादा टॉप 10 डॉग ब्रीड जो है मिलिट्री में यूज़ होते हैं, आर्मी में, पुलिस में ज़्यादा करके ये डॉग ब्रीड ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप सभी को जैसे पता है कि पुराने समय से लेकर आज के समय तक डॉग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और कुछ मिशन ऐसे होते हैं जहाँ पे इंसान कुछ कर नहीं सकता, कुछ उसके हाथ में कुछ होता नहीं, तो ऐसे टाइम में ये डॉग ब्रीड अपने हाथों में वो मिशन लेके उस मिशन को सक्सेसफुली बना देते हैं और कुछ आने वाले खतरे को वो जो है टाल देते हैं। और आज तक आर्मी में ऐसे कितने जाने मिशन हो चुके होंगे जिसमें डॉग में काफ़ी ज़्यादा हिस्सा भी लिया होगा और उस मिशन को सक्सेसफुल भी बनाया होगा। जो आप जो डॉग देखते हैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ वहाँ, वो तो एक नॉर्मल डॉग ब्रीड होते हैं, बट जो आर्मी में, जो पुलिस में यूज़ होता है, वो काफ़ी टैलेंटेड और ट्रेन डॉग ब्रीड होते हैं। उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वक्त आने पे उनका जो अच्छे से यूज़ कर सके। अगर जो आप नॉर्मली 10 डॉग को साथ में लेके जाते हो, अगर उनके साथ साथ अगर एक आर्मी का डॉग हो, तो एक आर्मी का डॉग जो है 10 डॉग के ऊपर भारी पड़ सकता है। इतनी उनको अच्छे से ट्रेनिंग और उनको अच्छे से बताया जाता है, सिखाया जाता है, प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में भी दिया जाता है। तो जो 10वें नंबर की डॉग ब्रीड आती है वो है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड काफ़ी डेंजरस और ख़तरनाक डॉग ब्रीड होते हैं। इसके अलावा इनमें बहुत सारी खासियत भी होती है, जैसे कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं, जल्दी से न्यू टेक्निक सीख लेते हैं। इसके कारण जो इसका ऑनर होता है वो जल्दी से इन्हें ट्रेन भी कर सकता है। और इतना ही नहीं है, ये पुराने समय से लेकर आज के समय तक भी मिलिट्री और पुलिस में दोनों में काफ़ी ज़्यादा अपने सर्विस देते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, और ये डॉग ब्रीड काफ़ी डिमांड में रहते हैं। इसलिए नॉर्मल लोग, आपको देखा होगा कि नॉर्मल लोग भी इन डॉग ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा एडॉप्ट करते हैं, और इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके चलते ये आपको पता चलता होगा कि बहुत सारे लोग इसकी डिमांड करते हैं, और जैसे आर्मी और पुलिस में भी आपको बहुत जगह पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप सभी को जैसे पता होगा कि जर्मनी से, यानी इसके नाम से पता चलता है कि इन डॉग ब्रीड का ओरिजिन जर्मनी से है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से डॉग ब्रीड दौड़ सकता है और अपने दुश्मन को पकड़ सकता है। ये डॉग ब्रीड जल्दी से हार भी नहीं मानता, चाहे इसको अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, बट ये अपने मिशन को काफ़ी अच्छे से पूरा करता है। ये डॉग ब्रीड की हाइट की बात करें तो 24 से लेकर 26 इंच तक इन डॉग ब्रीड की हाइट होती है, और वेट की बात करें तो इनका 30 से लेकर 40 केजी तक का वेट होता है। और ये डॉग ब्रीड का जो लाइफ स्पैन की बात करें तो 9 से लेकर 13 ईयर तक इनकी लाइफ स्पैन होती है। इन डॉग ब्रीड का जैसे सर्च एंड रेस्क्यू में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे किसी को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा ये डॉग ब्रीड अच्छे से अपना काम करती है, और जो रात की मिशन होती है उसमें तो ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो हमारे 9th नंबर की पोजीशन पे आता है वो है बेल्जियम मेनलोइस। गाइस, आप सभी को पता है कि डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा फेमस है सभी जगह पे, खास करके US आर्मी इन डॉग ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा रखती है और अपने आर्मी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाती है। आप सभी को जैसे पता है कि जो ओसामा बिन लादेन को जो मिशन हुआ था उसमें ये डॉग ब्रीड ने काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया था, और मिशन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो गया था। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो स्पेशल बनाई, तो ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और गाइस, ये आपको 4 टाइप के डॉग ब्रीड मिलते हैं, और इसमें आपको कलर और कोट का ही फर्क देखने को मिलेगा, बाकी आपको ये डॉग ब्रीड सारे सेम देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि थोड़ा बहुत जर्मन शेफर्ड की तरह दिखता है, बट ये डॉग ब्रीड जर्मन शेफर्ड से 2 कदम आगे है, और उससे अच्छा प्रदर्शन ये करता है। इंडियन आर्मी के अंदर भी इन डॉग ब्रीड का अभी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लग गए। और इन डॉग ब्रीड की हम हाइट की बात करें तो इनके 24 से लेकर 26 इंच तक इनकी हाइट होती है, और वेट की बात करें तो इनके जो है 22 केजी से 30 केजी तक इनका वेट हो सकता है, और ये 48 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ सकते हैं और अपने दुश्मन को पकड़ सकते हैं। और गाइस, इनकी खासियत की बात करें तो इनको जंपिंग में काफ़ी अच्छी से महारत हासिल हो चुकी है, और जैसे ट्रेनर इनको ट्रेन करते हैं वैसे ये आगे जाके सारे काम करते हैं। और इसके साथ साथ ये थोड़ा बहुत आपको गुस्सेल यानी एग्रेसिव टाइप के भी देखने को मिलेंगे, और अगर नॉर्मल डेज में हो गए तो अच्छे गार्डिंग डॉग भी उनके लिए ये काम करते हैं। इस सभी तरह से इन डॉग को अब अच्छी महारत हासिल हुए, और बहुत सारे मिशन में भी इन डॉग ब्रीड का यूज़ करते हैं। जो सीक्रेट मिशन होते हैं वो भी जो है दुनिया के सामने नहीं रखे जाते, बट उनमें भी इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। नंबर 8 की पोजीशन पे आता है बॉक्सर। ये डॉग ब्रीड पहले के समय से लेके, यानी बहुत पुराने समय से लेके आर्मी में काफ़ी ज़्यादा ये डॉग ब्रीड का यूज़ होता है। ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा शांत होते, अच्छे ट्रेन होते हैं, और अच्छे से ये जो कमांड है उसका अच्छे से पालन करते हैं। डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा नीडर होते हैं, यानी सक्षम होते हैं। अगर ये आप बात करें इनको कहीं भी मिशन पर ले जाने की या फिर पानी के अंदर ले जाने की, तो ये डॉग ब्रीड अच्छे से वो मिशन को अंजाम दे देते हैं। इन डॉग ब्रीड की हाइट की बात करें तो 21 से लेकर 24 इंच तक इन डॉग ब्रीड की हाइट होती है, और वेट की बात करें तो 22 से लेकर 32 केजी तक का भी इनका वेट हो सकता है। और इसके अलावा आपको बता दूं, जैसे कि ये डॉग ब्रीड को आपको पता है मिशन के दौरान कि ये डॉग ब्रीड किसी के पीछा करने में या फिर सामने वाले जो बंदे होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनके हाथ में ये ना आए, इसलिए कभी कभार इनकी पूंछ भी कट की जाती है पीछे से, ताकि मिशन में कोई बाधा ना आए। और इसके अलावा जो नॉर्मल डेज में होता है, जैसे कि फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, बाकी जानवर के प्रति ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहते हैं,
अच्छे रहते हैं और इनका स्वभाव काफ़ी खुश निजाब है। तो अगर आपको फैमिली के लिए चाहिए तो भी आप इन डॉग ब्रीड को ले सकते हैं। बट गाइस आपको कुछ जानना ज़रूरी है कि अगर इन डॉग ब्रीड को पहले से एग्रेसिव बना के रखा है तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और आर्मी में इनको एग्रेसिव भी काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा योगदान था और इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलिंग के लिए और गार्डिंग के लिए यूज़ किया जाता था। और इसके अलावा जैसे कि मैसेंजर के रूप में भी इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, जैसे कि फायरिंग के टाइम पे कोई बंदा यहाँ से वहाँ नहीं जा पाता था, उस समय में ये डॉग ब्रीड आराम से चुपके से यहाँ से वहाँ जो संदेश है आराम से पहुँचा देते थे। तो जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है डॉबरमैन पिंचर। ये डॉग ब्रीड के अंदर जो है एग्रेशन, इंटेलिजेंस और स्पीड काफ़ी ज़्यादा कूट कूट के भरी है। ये डॉग ब्रीड काफ़ी पुराने समय से इन डॉग ब्रीड का यूज़ होता है, जैसे कि पेट्रोलिंग के लिए होता था, अपने पैसों की बचाव के लिए, अपने ऑनर के प्रोटेक्शन के लिए भी इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। ये एक ही कमांड में सामने जो बंदा होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक और अग्रेशन दिखाता है और यह अपने मालिक की बात पूरी तरह से मानता है। और इन डॉग ब्रीड को अगर आप अच्छे से ट्रेन नहीं करते, सोशलाइज नहीं करते, तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन वाला हो सकता है। और आप सभी को जैसे पता होगा कि जो कार्लुस डॉबरमैन थे उन्होंने इस डॉग ब्रीड को विकसित किया था, यानी बनाया था ब्रीड को, इसके चलते उस डॉग ब्रीड का नाम जो है डॉबरमैन रखा गया था। इस डॉग ब्रीड की वेट की बात करें तो इस डॉग ब्रीड का वेट जो होता है वो 30 से लेकर 40 केजी तक हो सकता है और इसकी स्पीड की बात करें तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये अच्छे से दौड़ लेता है। और उसके अलावा जैसे कि जो है वाटर में अगर मिशन होता है, जैसे कि नदियों में या फिर कई वाटर जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, उस मिशन में भी ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे से अपना काम करते हैं। और इस डॉग ब्रीड को भी इसकी जो पूंछ है वो साइड में से कट की जाती है ताकि दुश्मनों के हाथ में डॉग ब्रीड ना लगे। और गाइस आप सभी को जान के जरूर से खुशी होगी कि हमारे इंडियन आर्मी के अंदर भी इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू में किसी को फाइंड करना, किसी को पकड़ना, दुश्मन अगर 1-2 किलोमीटर ज़्यादा भाग गया तो ये डॉग ब्रीड को छोड़ा जाता है ताकि ये उसको अच्छे से पकड़ सके या उसका पता लगा सके। तो गाइस इन डॉग के लिए, इन डॉग ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो इनके लिए लाइक तो ज़रूर बनता है और ज़रूर से वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड को भी ज़रूर से बताइएगा इन डॉग ब्रीड के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट डॉग ब्रीड आता है वो है रॉटवाइलर। गाइस रॉटवाइलर एक तगड़ा और खूंखार डॉग ब्रीड है। इसको अगर एग्रेशन अगर आप कंट्रोल में नहीं करते या फिर कंट्रोल में नहीं रखते तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव डॉग ब्रीड बनता है। अगर ये किसी के ऊपर छोड़ देते तो उसको आराम से फाड़ भी सकता है। तो गाइस ऐसे में जो रिस्की मिशन होते हैं, जो साइलेंटली मिशन करने होते हैं, ऐसे टाइम पर ये रॉटवाइलर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये तगड़े होते हैं, अगर किसी को एक बार पकड़ लेते तो उसका बचना नामुमकिन है। और इन डॉग ब्रीड का जो यूज़ होता है वो वर्ल्ड वॉर 1 से लेके वर्ल्ड वॉर 2 में भी काफ़ी ज़्यादा इन डॉग ब्रीड का यूज़ होता है और आज के टाइम में भी इन डॉग ब्रीड का यूज़ होता है, क्योंकि ये अपने ऑनर के प्रति या फिर अपने फैमिली मेम्बर के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता कि कोई उनके ऑनर के ऊपर या फैमिली के ऊपर बुरी नज़र डाले या फिर उनके ऊपर अटैक करे। अगर इन पे ऐसा थोड़ा भी शक जाता है या फिर ऐसा लगता है तो डॉग ब्रीड सामने के वाले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खूंखार या फिर अट्रैक्शन मोड में आ जाते हैं। इन डॉग ब्रीड की वेट की बात करें तो इनका वेट होता है 30 से लेकर 40 केजी तक इन डॉग ब्रीड का वेट होता है और इनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है ब्लड हाउंड। गाइस आपको पता होगा कि ब्लड हाउंड की सूंघने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डॉग ब्रीड फेमस है। बहुत सारे छोटे जो सिटी में मिशन होते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट में सर्च एंड रेस्क्यू या फिर कुछ तहकीकात करना, तो ऐसे टाइम में ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ख़ास करके मिलिट्री के जो छोटे मोटे मिशन होते हैं जो कि सिटी के अंदर होने, उस समय में इस डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा जो स्मार्ट डॉग ब्रीड है, क्योंकि ये बंद दरवाजे को भी आसानी से खोल सकते हैं और अपने आप को कई जगह पर छुपा भी सकते हैं। कभी कभार छोटे मिशन में इन डॉग ब्रीड को अकेले भी छोड़ा जाता है ताकि अपने मिशन को अच्छे से पूरा कर सके। इन डॉग ब्रीड का वेट की बात करें तो इन डॉग ब्रीड का वजन जो है 40 से लेकर 50 केजी तक का हो सकता है और ये डॉग ब्रीड अच्छे से सोशलाइज और ट्रेन भी हो जाते हैं और अपने फैमिली के या फिर अपने ऑनर के प्रति काफ़ी ज़्यादा लॉयल और हैप्पीनेस होते हैं। तो इसकी असली ताकत तो सूंघने की है, जैसे कि ड्रग्स का पता लगाना, स्मगलर का पता लगाना, खोए हुए इंसान का पता लगाना, ऐसे कामों में इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है लैब्राडोर रिट्रीवर। ये डॉग ब्रीड सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा लविंग नेचर के डॉग ब्रीड होते हैं। ऐसे में ये फैमिली के लिए, अपने ऑनर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और उनकी सारी आज्ञा का आराम से पालन करता है। इन डॉग ब्रीड को जैसे ट्रेन करते वैसे ये डॉग ब्रीड ट्रेन भी हो जाता है। और ये जो ब्लाइंड इंसान होते हैं उनकी मदद करने में भी इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। छोटे बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रहते हैं, सिटी में इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और ख़ास करके पुलिस में, जैसे कि बॉम्ब डिटेक्शन करना, किसी को ढूंढना और किसी को सर्च करना, ऐसे टाइम में ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं।
तो जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड हमारा है वो है बीगल डॉग ब्रीड। ये डॉग ब्रीड की साइज़ काफ़ी छोटी होती है, इसलिए ये छोटे मोटे मिशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि खास करके छोटी जगहों पे, जैसे कि एयरपोर्ट में इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और कभी कभार रेलवे स्टेशन में भी इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और जो आर्मी के छोटे मोटे जो काउंटर अटैक होते हैं उसमें भी इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ताकि ये छोटी जगह से आराम से निकल के अपने जो मंजिल है वहाँ तक आराम से पहुँच सके और जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे से पास कर सके। ये डॉग ब्रीड को अच्छे से ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, ये डॉग ब्रीड लविंग नेचर के होते हैं और अच्छे से ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड आती है वो है साइबेरियन हस्की। आपको पता है कि साइबेरियन हस्की को ठंडी जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए ठंड इलाकों में जहाँ पे आर्मी आराम से रह सकती है उसके साथ जो ठंड इलाके में कोई डॉग ब्रीड है जो बाकी के नहीं रह सकते वो अच्छे से काम नहीं कर सकते, तो उस जगह पे साइबेरियन हस्की काफ़ी अच्छे से काम करता है। वो ठंडी इलाकों में अच्छे से फाइंड कर सकता है, रेस्क्यू करा सकता है और जो दुश्मनों का आराम से पता लगा सकता है। इन डॉग ब्रीड की हाइट की बात करें तो 20 से लेकर 21 इंच तक इन डॉग ब्रीड की हाइट होती है, और वेट की बात करें तो 20 से लेकर 30 केजी तक इन डॉग ब्रीड का वेट होता है। ये डॉग ब्रीड बर्फीले इलाके में यानी बर्फबारी में भी काफ़ी अच्छे से दौड़ सकते हैं और सर्वाइवर कर सकते हैं, इसलिए ये बर्फीले इलाकों में ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। सो गाइस आशा करता हूं आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको इनमें से कौन सा डॉग अच्छा लगा तो ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि, और ये आपके पास कौन सा डॉग ब्रीड है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बताना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।